गाइस आज हम लोग लेने वाले हेयर कट हुई पूरे 4 महीने के बाद में, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी ठीक से, मैं पूरे 4 मंथ के बाद हेयर कट लेने वाला हूँ, तो क्या ये सेफ़ है कि नहीं है सेफ, इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। और मेरे लिए जहाँ मैं रेगुलरली जाता हूँ उन्होंने मेरे लिए क्या क्या स्पेशल कर रखा है वो सब भी देखेंगे वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आपने कटिंग देखे होंगे कैसे लग रहे हैं आपको बाल, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने हेयर कलर मतलब हेयर कलर तो नहीं किया अभी, कटिंग किए। भैया अपन ने क्या क्या सेफ्टी रखे थे भाई? हम लोगों ने सबसे पहले भैया ने एंट्री की, हमने भैया का हेयर सैनिटाइजर करवाया, उसके बाद पूरी बॉडी का सैनिटाइज किया है और स्कैनिंग की हम लोगों ने, और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह उनको सैनिटाइज किया है, सैनिटाइजन और एप्रीन वगैरह शैम्पू टावल यूज़ किया है प्रॉपर, ताकि इनकी सेफ्टी के लिए COVID-19 को देखते हुए इनकी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने सब किया है। अगर आपको भी हेयर कट कराना हो तो आप ज़रूर यहाँ हेयर आर्ट आ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ का एड्रेस वगैरह सब। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हेयर कट कराओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सैलून में इतनी ही सेफ्टी बरती जाए। यहाँ पे अब हमारे भैया सेफ्टी बरतते हैं, बाकी तो देखा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय।